आज मैं आपके साथ दुनिया का होटल इंडस्ट्री का एक बहुत प्यारा किस्सा शेयर कर रहा हूं। शहर था फिलाडेल्फिया, यूएसए। 1929 की रात जबरदस्त बारिश हो रही थी, जबरदस्त बार बार गोले गिर रहे थे। इतने में एक कपल, ओल्ड कपल था, जिनको बहुत बड़े बड़े होटलों में वो घूम घाम के आ गए, कहीं उनको रूम नहीं मिला। फिर घूमते घूमते वो एक छोटी होटल के बाहर रुके, और वहां जाके वो फ्रंट डेस्क पे एक लड़का बैठा था, मुस्कुराता हुआ चेहरा, प्रसन्नचित। वो लड़के को बोला कि भाई लड़का ये है, तो मैनेजर बोला कि सर एक काम कीजिए सर, मेरे होटल में भी कोई रूम नहीं और आप फिलाडेल्फिया में आज आपको कहीं भी रूम नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस शहर में आज 3 बड़े बड़े कन्वेंशन चल रहे हैं, पर आप इतने प्यारे कपल हैं कि मैं आपको बाहर नहीं भेज सकता। आप एक काम कीजिए, आप मेरी पर्सनल रूम जो है ना, जो होटल ने मुझे दी हुई है, आप उसमें आज की रात बिता लीजिए। आपके स्टैंडर्ड की नहीं है, पर मुझे लगता है आज ही रात आपकी निकल जाएगी। तो वो कपल ने बोला नहीं नहीं यार, ये तुम्हारे लिए बराबर नहीं, तुमको बोला तो नहीं नहीं आप मेरी चिंता मत करो, मैं कहीं भी सेट हो जाऊंगा, आप मेरे को लेके जाओ। वो कपल ने रात वहां गुजारी, सुबह वो उठे, बाहर आए, बोले तुम्हारा बिल? बोला नहीं सर, इट वॉज माई पर्सनल रूम, मेरा पर्सनल रूम था, मैं पैसे नहीं लूंगा। तो वो कपल इतना खुश हुआ, उन्होंने बोला बेटा तेरे को तो दुनिया की सबसे बेहतरीन होटल का मैनेजर बनना चाहिए। बोले ठीक है सर। वो जाते जाते उसका कार्ड लेके गए, कार्ड लेके गए, बात हो गई, साल बीत गया, 2 साल बीत गया। 2 साल बाद उस लड़के को एक लेटर आता है। लेटर के अंदर वो बुजुर्ग ने जो इंसिडेंट हुआ था वो करते रिकॉल करते हुए लिखते हैं कि भाई मैं, हम लोग वो बुजुर्ग है और हम आपको न्यूयॉर्क की रिटर्न टिकट भेज रहे हैं, आप एक बार न्यूयॉर्क आओ। ये भी अचंभे में रह गया कि 2 साल बाद इतने बहुत सारे आते हैं, पर ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने मुझे बुलाया। तो वो कहना माना और आ गया न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क आया, उसका जबरदस्त उसको ले जाके बढ़िया बिठाया, बिठा के उसको एक ऐसी जगह ले जाया गया, दुनिया की उस जमाने की सबसे शानदार होटल, उनका नाम था विलियम वॉल्ड्रप और होटल का नाम था वॉल्ड्रप एस्टोरिया। आप अगर न्यूयॉर्क आज भी जाएंगे ना, तो 5th Avenue 34th Street पे आपको दुनिया का सबसे खूबसूरत होटल दिखाई देगा। वो 1931 से 1963 तक दुनिया का सबसे टॉलेस्ट, 625 फीट लंबा और 47 मंजिला इमारत कोई उस जमाने में नहीं बनी थी। उसका मैनेजर इनको बोला कि आपको बनाया जाए। बुजुर्ग का नाम था विलियम वॉल्ड्रप एस्टर और जो मैनेजर बना था उनका नाम था जॉर्ज सी बोल्ट। और लड़का इतना मेहनती था, बाद में वही जॉर्ज सी बोल्ट उसी होटल का प्रेसिडेंट बना। तो आप कहीं भी सेवाएं देते हो तो मानवता से दीजिए, इंसानियत से दीजिए। इंसानियत आपकी आधी रात को उसने जो इंसानियत दिखाई ना, वो उसके जीवन के अंदर प्रकाश की तरह निकली। तो जीवन में कभी न कहीं, कहीं न कहीं आप हेल्प करते रहिए, सब एक दूसरे के काम। इंसानियत का वास हो।